लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम में आखिर इस बार किसकी सरकार पर लगातार एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है और सभी को जानने के लिए इस वक्त पहुंच चुके हैं फरीदाबाद की लोकसभा सीट पर। हालांकि इससे पहले भी आपने फरीदाबाद की लोकसभा सीट पर जो पब्लिक है उसका मूड देखा होगा, लेकिन इस बार अलग अलग विधानसभाओं से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर धरातल पर क्या इतने दिनों में कुछ बदलाव भी नज़र आ रहा है। हालांकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इनेलो जेजेपी, इनके तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको उतारा गया है। कोई चेहरे पहले भी जान पहचान में जनता के बीच में है तो वहीं पर कुछ नए चेहरे भी इस बार मुकाबले में है, लेकिन पब्लिक क्या कुछ सोच समझ रही है वोटिंग से पहले और क्या जो अपना चुनाव है वो मुद्दों के आधार पर देने वाली है या फिर देश में विकास की लहर या फिर परिवर्तन की ओर जाने वाली है, तमाम ही सवालों पर चर्चा करेंगे और सीधे तौर पर जुड़ेंगे पब्लिक के साथ। आइए मेरे साथ। फरीदाबाद की लोकसभा सीट पर पब्लिक का मूड जानते जानते इस वक्त पहुंच चुके हैं वल्लभगढ़ में। ये भी जो फरीदाबाद की लोकसभा सीट है वहीं से एक विधानसभा है, वैसे तो बहुत बड़ी विधानसभा है लेकिन अभी इस वक्त काफ़ी गर्मी का समय है और दोपहर हो रही है और जहां पर मैं मौजूद हूं ये सिटी पार्क है। दोपहर का समय है तो थोड़ा लोग घर से बाहर कम ही निकलते हैं, लेकिन अब पार्क है, कई सारे पेड़ हैं, हरियाली है तो इसके छाँव में आकर लोग बैठ भी जाते हैं और कुछ समय भी गुजार लेते हैं। तो यहीं पर चलते फिरते इनसे ही बातचीत करेंगे क्योंकि ये सब यहीं आसपास के ही रहने वाले हैं, यानी कि वल्लभगढ़ के ही वोटर्स हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनके मूड में इस वक्त इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम महेश मालवीय है, यही आदर्श नगर वल्लभगढ़ का रहने वाला हूँ। महेश जी देखिए, अब चुनाव आ चुका है 2024 का, इस बार एक सरकार जो पहले भी चल रही है उसको लेकर भी कुछ आपने सोचा समझा है या फिर कुछ परिवर्तन की उम्मीद है इस बार? देखिए मैडम, यह है कि जहां तक आप पूछ रहे हैं ना कि कुछ बदलाव पिछली सरकार में इस सरकार में आया, तो मैं यही कहूंगा कि पिछले दस सालों में इस सरकार ने, जो भाजपा की सरकार है, केंद्र की सरकार है और हमारे माननीय सांसद राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल जी गुर्जर जो हैं, इनके शासनकाल में 10 साल में आप खुद देख रहे होंगे ये जितने जो आधारभूत संरचना जिसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें जमीन आसमान का अंतर आया हुआ है। हाईवे का, गांव के इसके अंदर की शहरों का, पेड़ पौधे लगाने का, शासन व्यवस्था का, ये इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखा मैंने। और मुझे तो ये लग रहा है कि भाई देखो, और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी, हाँ देश का चुनाव है, हम तो ये चाहेंगे कि भाई मोदी जी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की साख और धाक बनाई है वो काबिले तारीफ है और दुनिया का पहला नंबर है ऐसा मोदी आदमी है जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मंजू पूरे दुनिया के नेताओं में सबसे ऊपर है 77% के हिसाब से। बाकी सारे दुनिया के नेता है, अमेरिका, रूस, इटली वगैरह जो भी है, वो सब बहुत नीचे 40-45% पे है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम तो ये चाहेंगे, पब्लिक से ये कहेंगे कि भाई मोदी के हाथ मजबूत करो, यहाँ तक कि अगर आप कोई कैंडिडेट से कुछ थोड़ी बहुत शिकायतें तो देखो होती हैं, तो उनको नज़रअंदाज करते हुए, ये हमारा राष्ट्रीय चुनाव है राष्ट्रीय, तो उसको हिसाब से देखते हुए मोदी सरकार की को, मोदी को लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बहुमतों से लाइए और आदरणीय किशनपाल जी गुर्जर जी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से आप जिताइए, मैं तो यही कहूँगा। तो देखिए, ये तो कह रहे हैं कि जो अन्य पार्टी है उनको अंतर ही नहीं पता है, सहमत हैं इस बारे में? हाँ ये बात सही है, लालू के लड़के ने कहा ना, हाँ क्योंकि वो तो देश का विनाश करने में तुले हुए भैया। तो मोदी जी कौन सा देश का विकास कर रहे हैं, वो भी तो विनाश ही कर रहे हैं। ला 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 ऐसा कुछ ला ला ऐसा कुछ नहीं है। क्या कर रहे हैं मोदी जी? अरे मोदी जी तो हमारे हिंदू तत्व को बचा रहे हैं और वो उजाड़ रहे हैं। बस सीधे आदमी, हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो बचा किससे रहे हैं?
वो अपनी ईमानदारी से बचा रहे और अपने कर्तव्य से बचा रहे। लेकिन जो एक बड़ा गठबंधन बना है जिनको आप कह रहे हैं कि अब वो समाप्त ही है एक तरीके वो से, नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा। पब्लिक की आवाज में उन नेताओं की जेब में वोट ना भरे पड़े, वोट तो हमारे पास है, हमारी वोट तो मोदी को जाएंगे। केंद्र हम मोदी देखना चाहते हैं बस। कारण क्या है, क्यों देखना चाहते? देख तो लिया 10 साल और कितना देखेंगे ना। अभी इच्छा और है, अभी इच्छा देखने की भी और है, क्योंकि वो तो उनसे तो हमारा पेट भरा पड़ा है, अभी इससे पेट नहीं भरा भाई, उनसे तो हमारा पेट भरा पड़ा है, लेकिन मोदी से पेट अभी भरा नहीं है। जब भर जाएगा तो समय अपना बदल जाएगा। तो इतने बड़े बड़े काम तो आप जैसे गिनवा रहे हैं वो तो कर ही दिए मोदी जी ने, तो आप क्या कर? अभी देश के लिए जरूरत है, देश के लिए मोदी की जरूरत है। अच्छा, जो गठबंधन वाले हैं वो ये कह रहे हैं ये सरकार तो उद्योगपति की है, गरीबियों की तो सुनती ही नहीं है कुछ भी। वो तो छाती पीट रहे हैं अपनी, फेल हो चुके हैं वो तो, फेल हो गए, छाती पीट रहे हैं। तो ये आप देखिए कि यहाँ के जो वोटर्स हैं वो किस तरह से कह रहे हैं कि उनके कुछ कहना है आपको कि उनके मूड में क्या है। और हालांकि यहाँ पर ज्यादातर लोग जो हैं वो इस वक्त यही कह रहे हैं कि जो पहले की सरकार है जो कि 10 सालों में यहाँ पर काम किया है वही बेहतर है और उसके मुकाबले में कोई नहीं है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर फरीदाबाद की लोकसभा सीट पर क्या है पब्लिक का मूड। पब्लिक का मूड जानते हुए फरीदाबाद की लोकसभा सीट पर ही थोड़ी दूरी पर और आगे आ चुके हैं। और इस वक्त हालांकि लोग तो घरों के अंदर हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं वो जरूर इस आस में बैठे हैं कि दुकानदारी कैसे भी चल जाए। अब ये लोकसभा का चुनाव है, 2024 का चुनाव है, ये सभी भी वोटर्स ही हैं और काफ़ी पुरानी दुकानें यहाँ पर हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर इनके मूड में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि ये चुनाव है। और हमने बहुत लोगों से ये भी सुना है कि इस बार का जो वोट है वो उम्मीदवारों में कहीं ना कहीं पर जातीय तौर पर भी देखने को मिल रहा है। और अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में जो लोग हैं वो चेहरे को भी पसंद करते हुए अपना वोट निर्धारित कर रहे हैं, और कुछ लोग मुद्दे को भी अपना आधार इस वक्त इस बार के चुनाव में बना रहे हैं। कागजी तौर पे तो जी विकास है, जमीनी स्तर पे विकास नहीं है, विकास नहीं। अब चुनाव देश का हो रहा है जी, क्या देश प्रगति की ओर गया? संविधान बचाने की लड़ाई है जी, सीधी बात यह है, मुद्दा यह है संविधान बचाना है। संविधान खतरे में क्यों लग रहा है? संविधान खतरे में ही है जी, जिसको मर्जी उसको ईडी लगा दो, संविधान तो खतरे में ही है। सरकार तो ये कह रही है ना कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार तो सरकार में बैठे भ्रष्टाचारी, उसे अंबानी अडवाणी को जेल भेजो, उनसे करो इंक्वायरी, उनको बैठाओ सीबीआई उनके पास, जो सारा मुद्दा तो उनके पीछे ही है। कल दोस्त थे आज वो दुश्मन हो रहे, अब प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कहते, उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते, उनके पीछे भेजो ईडी। केजरीवाल एक सीधा आदमी है, उसको जेल भेज दिया, डर रहे ना उससे, केजरीवाल से डर रहे और क्या, डर रहे ना तो क्यों जेल भेजते उसको, और 10 दिन रुक करे या एक महीने पहले भेजते, इलेक्शन के टाइम ही क्यों भेजा? तो वो तो सरकार तो दावा कर, वैसे सरकार क्या जो ईडी सीबीआई वो तो यही दावा कर रही है कि पहले से चल रहा था केस, पहले से चल रहा था तो जब ही अरेस्ट कर लेते उसको, वो कोई ऐसा थोड़ा वो भाग हुआ था कहीं था तो यही वो। ये हरियाणा की जमीन है, हरियाणा में वैसे ज्यादातर जो ये अपना जमीन का मुद्दा है इस पर भी ज्यादा देखा जाता है, तवज्जो दिया जाता है, ऋण माफी और ये सब चीजें भी चलती है। ऋण माफी तो बड़े बड़े शर्मादान को हो रही है, आम आदमी कहाँ ऋण माफी हो रही है, कोई ट्यूबवेल की माफी हो, कोई भैंस की माफी हो, कोई छोटा लोन हो उसकी माफी हो, बड़े बड़े शर्मादानों की माफी हो रही है, गरीब आदमी क्या माफी हो रही है। अच्छा, और जो गठबंधन है वो कह रहे हैं कि महंगाई में जैसे अपना गैस सिलेंडर LPG ये 500 रुपए से कभी ज्यादा जाने नहीं देंगे। वो तो सरकार आएगी, सरकार आएगी, संभव तो सरकार की सब कुछ संभव है, सरकार कुछ भी कर सकती है। तो पिछली सरकार कहाँ पर खड़ी रह गई, उसने नहीं किया? पिछली सरकार ने तो एक पैसा कम ना, और बढ़ाते रहे, बढ़ा ही रहे हैं अब तक भी, पिछली बार भी बढ़ाए महीना 20 दिन पहले पैसे, फिर कुछ कम भी करे हैं, लेकिन पहले 500 बढ़ा दो फिर 100 घटा दो, यही नीति। हाँ,
ये मुद्दा है वैसे कोई मामले नहीं। राजस्थान में सर गहलोत जी की सरकार थी, सिलेंडर 500 रुपए मिल रहा था, अब वहाँ भी सिलेंडर के रेट हाई है। तो कांग्रेस की सरकार में ये सिलेंडरों के रेट देखो कुछ ना कुछ सरकार करेगी। अच्छा लेकिन बीजेपी कह रही, बीजेपी जब आ रही थी तो उसने ये कहा था ना कि घर घर चूल्हा गैस गैस लाइन सब पहुँचा देंगे, एक एक गांव जो है उसके वहां तक कहां, कहां हमारे गांव में वो लेगी पर्ची भरवा के चेक लेके भरवा के आज तक कनेक्शन नहीं हुआ ना, तो लाइन वो चेक दी दोनों को एलपीजी के लिए ना कनेक्शन के लिए कोई नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं है। अच्छा सीमाएं कितनी सुरक्षित लग रही हैं, देश की सीमा पुलवामा हमला आपके सामने है, चीन आगे बढ़ ही रहा है, चीन घुस अंदर बढ़ ही रहा है, तो सीमाएं कहाँ सुरक्षित है। और हमारे फौजी भाइयों को अग्निवीर वाली योजना ला दी, कोई फौजी ना है, पहले गांव देहात का आदमी फौज की तैयारी करता था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलते थे तैयारी करने के लिए, अब कहाँ है, कहीं नहीं है, बच्चे तैयारी नहीं करे फौज की। सरकार ने तो कहा है कि पूरे देश को आत्मनिर्भर बना दिया हमने इतने सालों में, कोई आत्मनिर्भर नहीं बना, अपना व्यापार चल रहा है, किसका व्यापार चल रहा, खड़े तो यहाँ पे बैठे तो कहाँ व्यापार चल रहा, देखो मक्खियाँ क्या कहना है, दोपहर का समय है और रोजगार को लेकर क्या कहेंगे, रोजगार कहाँ है मैडम, बेरोजगारी के आंकड़े आप देश देख रहे हो, हिंदुस्तान के अंदर पहले नंबर पे हरियाणा आ गया जो कि रोजगार में नंबर वन पे था, कहाँ आ गए। हरियाणा में कह रहे हैं कि पहले तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी काफी सवाल उठते थे, अब बहुत कुछ सही, क्या क्या परिवर्तन आ गया, कौन सा एक एक्ट तो बताओ मुझे नया चेंज कर दिया हो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे उस टाइम उन्होंने महिलाओं के लिए सेफ्टी के लिए अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उससे अलग क्या हुआ, उसके बाद में कहाँ चेंज हुआ है, हैं? क्या हरियाणा सुरक्षित है तभी ये मेवात में दंगा हुआ, या रोहतक जला, या किसानों के पे लाठी चार्ज हुआ, या सुरक्षा के प्रतीक है, किस प्रकार से आप सुरक्षित मान रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा आपके परिभाषा। सरकार ये भी कह रही है कि किसानों के साथ भी वो चल रही है, आपने किसानों क्या चल रहा है, किसानों का तो सत्यानाश हो गया, जिस किसान की गेहूं का पैसा 72 घंटे में आता था एक एक महीने में नहीं आ रहा है, कहाँ जाएगा किसान, है? ये कोई पूंजीपतियों का देश नहीं है कि महीने के अंदर तनख्वाह आएगी आप दे दोगे, किसान ने जिसने मजदूरी लगाई है जिसने कास्त की है उसको पैसा एक महीने बाद में कैसे देगा, मजदूर कैसे दे सकता है, बताओ आप मेरे को, आप तरीका बताओ कैसे किसान के लिए भला हुआ है। इस बार जो गठबंधन के मुद्दे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, क्योंकि पहले ही सरकार, मैं आपके इसी सवाल से असहमत हूँ, आपने सबसे पहले पूछा, मैं जब से असहमत हूँ, गठबंधन किसका नहीं है इस इंडिया गठबंधन से ज्यादा तो बीजेपी के पास दलों का समर्थन, आप इस बात को देखते हो, गठबंधन किसको कह रहे हो आप, गठबंधन तो दोनों ही तरफ है, ऐसा नहीं है कि चोर चोर मुसेरे भाई है, गठबंधन उनका नहीं है, गठबंधन उनका भी है, उनके पास कितने दल आपको पता होगा, क्षेत्रीय दल शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा जिसमें क्षेत्रीय दल भाजपा के साथ शामिल नहीं हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ये तो एक मतलब मीडिया ने हाईलाइट बना दिया है कि ये गठबंधन है गठबंधन है, आप कैलकुलेशन करके देखिए, पढ़े लिखे आप हो पढ़े लिखे, मैं इस बात को चैलेंज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो ज्वाइंटली है वो ज्यादा है या कम है, इस बात के आंकड़े पे आप लेके आइए फिर बताइए गठबंधन क्या कहते हैं, उसकी परिभाषा में सहमत हूं आपके साथ। इस बार जो वोटर्स हैं क्या वो अपने जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको देखकर आप अपना वोट दे रहे हैं, या फिर देश के तमाम मुद्दे जो कि गिनवाए जा रहे हैं सरकारों में उनको देखकर अपना वोट तय कर रहे हैं। मैडम हम तो वोट दे जो रोजगार देगा हमको, कांग्रेस को देंगे सीधी वोट, हम तो बीजेपी ने भूखे मार दी, खड़ी खड़ी गाड़ी चलान कर रहे हैं, 32 में चलान कर रहे हैं इन गाड़ी के, तो क्या करें मजदूर आदमी जागने, बीजेपी इतने रुपये कमा लिए फिर भूखे मर रही है, फिर अत्याचार कर रहे गरीब आदमी पे, रईसन को पकड़ मोहना पकड़ रही है, गरीबन ने पकड़े जो पकड़े, तो हम तो वोट तो हमने वही जाए कांग्रेस को ही। अच्छा, और सरकार ने ये भी कहा है कि डिजिटल भारत हो गया, कुछ ना हो जी, स्मार्ट सिटी हो गई, कुछ ना हो जी, पैर तो रोटी खा भी ले, गाड़ी जाएगी कहीं भी अगर बैठ नहीं लगी है, ड्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऑनलाइन चलाना जाएगा 20,000 का, 30,000 का, 50,000 का, मालिक क्या करेगा, उसको भरना पड़ेगा, वो डिजिटल इंडिया है। नहीं मैं कुछ नहीं है। चलिए जी, आप क्या कहेंगे इस बार के चुनाव में, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आएगी अबकी बार, कारण क्या है, कारण क्या है, ये तो सरकार ही ऐसी है, बेकार है, सरकार को कोई फायदा नहीं है इसका। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि जितने फायदे जनता को दे दिए किसी सरकार ने दिए ही नहीं, शायद हो सकता है सरकार की नॉलेज में ही तो है फायदे जो हैं, बाकी तो यहाँ धरातल पे तो कुछ है ही नहीं, मतलब जनता को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, नहीं। अच्छा, क्या रह गई है, मतलब जो कमियां हैं जिस वजह से आप कह रहे हैं कि कुछ पहुँचा ही है, क्या
आप कहते हो कि जो डिजिटल इंडिया बना दिया है, कैमरे लगा दो टूटी फूटी सड़कों पर, कैमरे लगाने से गंदगी पड़ी रहती है, कैमरे लगाने से डिजिटल इंडिया बन जाएगा? केवल यहाँ कैमरे लगे हुए हैं आपके यहाँ, ठीक है, यहाँ कबाड़ा पड़ा होता है, मैं दिखाता हूँ आपको, चलो जहाँ मैं खुद रहता हूँ उसके बिल्कुल एंट्री पे ही देख लो कितना कबाड़ा पड़ा हुआ, क्या है, और पब्लिक वहीं डाल के जाती है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, नगर निगम सोचता ही नहीं उस चीज़ को, आधा रास्ता बंद हो जाता है कबाड़े से, वहाँ कोई देखने वाला ही नहीं है वहाँ। अच्छा, मैदान में इस वक्त जो फरीदाबाद की लोकसभा सीट है, इसमें इस बार भाजपा और कांग्रेस एक अगर बात करें तो किशनपाल गुज्जर हैं एक तरफ महेंद्र प्रताप हैं, वैसे दोनों के बीच में मुकाबला किस तरीके का लग रहा है? हमारी तरफ से तो महेंद्र प्रताप है जी जो जीत रहा है यहाँ से, क्योंकि किशनपाल को तो घमंडी इतना है, किशनपाल नहीं आए भाई। महेंद्र प्रताप जी कैसे व्यक्तिगत तौर पे या फिर कैसे व्यवहारिक तौर पे? नहीं, व्यवहारिक तौर पे बहुत बढ़िया छवि है उनकी, क्योंकि पहले भी रहे हैं वो MLA यहाँ से मेवला महाराजपुर से, तो अच्छे आदमी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि खराब है। बेहतर काम किया है? हाँ जी, कांग्रेस वोट कांग्रेस को जाएगी। तो देखिए, ये आप जान रहे थे कि आखिर पब्लिक के मूड में क्या कुछ है, हालांकि बातचीत की तो जिस तरीके से इशारा है वो साफ ये है कि परिवर्तन की जो लहर है वो देश में इस वक्त जरूरी है। कई सारे लोग स्थानीय मुद्दों को भी इस बार अपने वोट में कहीं ना कहीं पर लेकर आ रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं जो देश के तमाम मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो परिणाम होंगे उसी से कोई भी नतीजा सुनिश्चित हो पाता है, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फरीदाबाद की जो लोकसभा सीट है इस पर पब्लिक का मूड क्या है। तो पब्लिक का मूड जानते जानते इस वक्त फरीदाबाद की लोकसभा सीट पर थोड़ी और आगे आ चुके हैं, और जब तक पब्लिक के मूड में वरिष्ठों की गिनती ना हो और उनसे ना जाने कि आखिर इस बार के चुनाव में वो क्या कुछ सोच समझ रहे हैं, तब तक एक तरीके से अगर पब्लिक का मूड या जो चर्चा है वो पूरी भी नहीं हो पाती है। सही कह रही हूँ ना मैं ताऊ जी? क्या नाम है आपका? चंदर। चंदर, अच्छा ये लोकसभा का चुनाव आ गया है 2024, इस बार किस तरीके की लहर है? भाई लहर तो प्रधानमंत्री तो मोदी बनेगा, लहर तो मोदी की है, लहर तो मोदी की है। यहाँ टक्कर है फरीदाबाद में कांग्रेस और बीजेपी की। अच्छा, टक्कर क्यों है, कैसी टक्कर है? मतलब लोग वाते नाराज हैं किशन पाल थे, क्यों कोई काम नया काम ना हो, क्या क्या ऐसा गुज्जर जी क्या कह देते हैं जो काम ही नहीं करते? वो कह तो दे हैं पर खड़े तो न हो, काम न हो। अच्छा चलिए, देश की बात कर लेते हैं। देश में आपने कहा मोदी जी की लोकप्रियता है, क्यों है वैसे? भाई ये हिंदुत्व का मुद्दा है भाई, और कोई ऐसा है नहीं हाँ जो कि हिंदुत्व की बात उठावे, इसलिए जो है लोग मोदी ही चाह रहे हैं, भाई ऊपर तो मोदी बनेगा। तो सरकार तो ये भी कह रही है कि ये जो हिंदुत्व की बात आप कर रहे हैं, गठबंधन तो ये कह रहा, वो तो खुद भी यही कहता है कि सरकार सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा लेके चल रही है, पर सरकार ये मानती नहीं, वो कहती है मैं तो विकास भी कर रहा हूँ और बहुत कुछ काम कर रहा हूँ। विकास भी करवा रहे हैं, कर ही रहे हो जो काम है, विकास भी कर रहा है, सब साथ लेके भी चल रहा है, और न्यू भी नो है कि भाई मुसलमान तो कट रहा है उनकी भी कर रहा है, उनके वहाँ भी कॉलेज खोल रहा है, ITI खोल रहा है, उनकी भी तरक्की कर रहा है, ये नहीं है अगले निखालस एक ही बाकी है। लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत नाराजगी तो रहती ही है अल्पसंख्यक को लेकर? ना वैसा कोई नाराजगी नो है, यहाँ वैसा कोई नाराजगी नो है, काम सबके बह रहे हैं जैसे है। अच्छा, तो लोकप्रियता उन्हीं की लग रही है? हाँ, उसी के मोदी की। तो हैट्रिक मारेंगे यानी तीसरी? मारेगा मोदी मारेगा। ये भी कह रहे हैं कि 400 पार ऐसा कुछ भी है? अजी हो सका है 400 पार, मोदी की 400 पार होगी। लगता तो नहीं है गठबंधन भी बन गया इतना बड़ा? ना ना, गठबंधन से क्या, कुछ भी ना, गठबंधन में ऐसा फर्क पड़ा है? गठबंधन में तो इतने चेहरे हैं। ना ना, कुछ भी नहीं ऐसा फर्क पड़ेगा, जैसे यहाँ महेंद्र प्रताप लेकर सके है ऐसा पड़ेगा, महेंद्र प्रताप टक्कर लेगा, मतलब उम्मीदवारों की लड़ाई हो सकती है पर केंद्र में नहीं चर्चा है। केंद्र में नहीं चर्चा है, ये वही बनेंगे PM साहब, ये मोदी जी। अच्छा, तो राहुल जी की पार्टी से कोई नहीं? नहीं, राहुल की कोई नहीं, काम ही नहीं किया उसने,
काम ही नहीं, उनको तो मौका देंगे जब तो किसका किसका मौका दे, वो 55 साल तो मौका मिला है जी उसको, 55 साल तो रही है उनकी सरकार, जो काम इस सरकार में हुआ मोदी के में वो पहले हुआ ही नहीं उसकी। तो सरकार तो रही है लेकिन राहुल गांधी की तरफ से थोड़ी कोई रहा है, अब तो नई रहा है उसका परिवार, उनके ही अंदर में चलती थी सरकार पहले कांग्रेस, उनके अंदर में चलती थी विकास हो रहा है ऐसी बात नहीं है, मोदी सरकार में जो विकास नहीं हुआ है काफी विकास हुआ है। अब ये देखो कि सारी सरकारें जितनी भी हैं सारा सबका गठबंधन एक हो गया है, बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस और आप जितने भी बाहर के दल लगाओगे सब एक हो चुके हैं सिर्फ मोदी को हराने के लिए। तो अगर मोदी अच्छा काम नहीं करता तो इनको सबको एक जगह इकट्ठा होने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अगर वो अच्छा काम कर रहा है तभी सब एक हो रहे हैं, क्योंकि पता है उनको उनकी सरकार बनेगी ही नहीं। लेकिन गठबंधन ने तो गठबंधन इसलिए किया है, वो कह रही कि सरकार ने भ्रष्टाचार तानाशाही इतनी कर दी है कि सबको एक साथ होना पड़ रहा है। अगर भ्रष्टाचार होता तो दो बार, क्योंकि जो बहुमत जिताता है वो जनता होती है, जो जनता जिताती है, अगर ऐसा होता तो दो बार नहीं बनती। बीजेपी ने अगर काम किए हैं तो ही दो बार सरकार में आई है, तो उन्होंने काम किए तभी तो सरकार बनी है। और काम तो कर दिए, अब नई उम्मीदें क्या है? नई उम्मीदें यही है कि जो अब उनका जो मतलब जो प्रचार प्रसार हो रहा है, जो देश का भाई पहले हमारे देश का इंडिया का जो बाहर हमें मतलब कितना जानते थे, कोई कहीं आप USA वगैरह चले जाओ या कहीं भी चले जाओ तो वहाँ पे कितनी वो होती थी, अब इंडिया को सब जानते हैं कितना। आप एक दृष्टि से देख रहे हो कि एक गांव में काम नहीं हुआ या एक उसमें काम नहीं हुआ, आप उस चीज़ को मत देखो, आप ये देखो कि पूरे देश में कितना काम हुआ है, बाहर कितना वो हुआ है, हमारी कंट्री किस ओर जा रही है, मतलब डेवलपमेंट है नहीं, हर चीज़ के हर सब कहते हैं कि मोदी ने काम किया है, डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट कहाँ नहीं दिख रही आपको ये बताओ। गठबंधन तो कह रहे हैं कि देश को बेचने के अलावा सरकार ने कुछ किया ही नहीं। हाँ जी, ऐसे कैसे बेचे सरकार ने, सरकार ने मोदी ने तो बहुत बढ़िया काम करा, जो 70 साल में इन्हें करो कांग्रेस ने वो 10 साल के अंदर कर दिया। ये तो कह रहे हैं रेलवे भी बेच दिया, बड़े अस्पताल भी दे दिए, सब निजीकरण कर दिया, सब चीज बेच दिया था, ये तो बच रहे हैं। अब मोदी ने जो भी है वो अच्छा काम करा है मोदी ने, कांग्रेस ने क्या बेच दिया, जो वो कह रहे हैं जो बेच दिया, तो ये सब बेच ही दिए। जैसे आप भाजपा कह रहे हैं कि भाजपा मोदी जी ने बेच दिया, अब वो भी तो कह सकेंगे अभी बेच दिया पहले जो हम छुड़ा लिए। अच्छा, हरियाणा ने कितना विकास किया इस सरकार में? हरियाणा में विकास नहीं हुआ जी, हमारे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी नहीं हुआ, हमारे जो क्षेत्र है इसमें कोई विकास नहीं हुआ चाहे कोई सी सरकार हो। हाँ। तो देखिए अहम चर्चा में लोगों से जुड़े और ये जाना कि आखिर उनके मूड में इस वक्त क्या चल रहा है। हालांकि फरीदाबाद की लोकसभा सीट को लेकर अगर बात करेंगे तो कई लोगों ने ये कहा है कि कुछ जो उम्मीदवार हैं उनका पहले भी कार्यकाल रह चुका है, काम रह चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो बड़े चेहरे की वजह से लगातार जीतते भी आए हैं, लेकिन इस बार कुछ परिवर्तन भी उनको लेकर किया जा सकता है, लेकिन नतीजे ये तय करेंगे कि आखिर इस बार फरीदाबाद की लोकसभा सीट पर पब्लिक क्या कुछ तय करती है। तो यही सब जानने के लिए हमने जाना पब्लिक का मूड फरीदाबाद की लोकसभा सीट से। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार, मैं रिया राय, टोटल TV, कैमरा पर्सन सूरवीर के साथ।